हेलो गैस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गैस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप योनो SBI एप्लीकेशन से अपना UPI पिन सेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में A to Z बताऊंगा कि कैसे आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं और कैसे आप UPI पिन सेट कर सकते हैं या फिर आप रीसेट कर सकते हैं। तो गैस, आपको सिंपली क्या करना होगा, अपना UPI पिन सेट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर योनो SBI एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब जो है योनो SBI एप्लीकेशन सभी यूजर्स के लिए हो चुका है, यानी जो भी UPI के इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिम सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका सिम है, जो आपके बैंक में लिंक है, आपको वही सिम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको काउंटडाउन दिखेगा, जैसे काउंटडाउन खत्म होगा तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आपको अपना बैंक चूज करना है, जो भी आपका बैंक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बैंकों की लिस्ट आपके सामने आ रही है। आपका जो भी बैंक है आपको अपने बैंक पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा बैंक ये है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ऐसे ही आपका जो भी बैंक होगा आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका बैंक आ जाएगा, उसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना है कि क्या आपका यही बैंक है। अकाउंट का यहाँ पे आपको लास्ट का नंबर चेक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दिखाएगा कि आपका बैंक जो है सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब जो अगला प्रोसेस है आपको UPI पिन सेट करना होता है, तो उसके बाद इसी बैंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पे सेट पिन और रीसेट पिन। अगर आप यहाँ पे योनो SBI एप्लीकेशन में नए हैं, पहली बार बैंक ऐड किया है, तो यहाँ पे आपको सेट पिन दिखेगा। और अगर आप पहले से ही आप मतलब UPI पिन सेट कर रखे हैं इस बैंक का, तो आपको वहाँ पे रीसेट पिन का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ATM कार्ड का लास्ट का 6 नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपके ATM कार्ड का यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालना है। चलिए फिर यहाँ पे हम सबसे पहले फिल कर लेते हैं ATM कार्ड का लास्ट का 6 नंबर, उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने फिल कर दिया डिटेल। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि नेक्स्ट का ऑप्शन, आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके बैंक से एक OTP आएगा जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, जैसे कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है। OTP फिल होने के बाद आपको राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा न्यू UPI पिन सेट करने का ऑप्शन या फिर रीसेट करने का ऑप्शन। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक किया तो आ चुका है यहाँ पे सेट 6-डिजिट UPI पिन। किसी किसी बैंक का 4-डिजिट होता है, किसी किसी बैंक का 6-डिजिट होता है। तो यहाँ पे आपको जो भी बोलेगा तो आप यहाँ पे अपने बैंक के हिसाब से डाल देना। उसके बाद आपको दोबारा से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके, दोबारा से कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना UPI पिन सेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक किया यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली सेट UPI पिन। तो ऐसे करके आप योनो SBI एप्लीकेशन से अपना UPI पिन सेट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं और योनो SBI एप्लीकेशन के द्वारा आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं UPI के थ्रू। गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।